हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी 2.0। दोस्तों, आज मैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि 2020 का है दोस्तों। इसका हम फुल एनालिसिस करेंगे जो कि टॉप 50 जीके क्वेश्चन होगा दोस्तों आज, और इसके बारे में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को टॉप 100 रैंक लाना है तो इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल से जरूर जुड़ें दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 2020 से क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि जीके का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आपके प्रश्न की ओर दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, सामान्य ज्ञान का हम क्वेश्चन ले आए हैं दोस्तों। आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है दोस्तों। लाल ग्रह कौन सा है? तो उसे लाल ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव यानी कि पोल तारा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग का अल्फा उर्साए माइनोरिस, ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 2011 के क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आप लोग का कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी है, वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको सिक्स नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो टका, ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हरा तीतर, ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विद्यापति को, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, एमपी में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? सिक्किम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो रेड पांडा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? ओडिशा का राजकीय पक्षी तो भारतीय रोलर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आप लोग का राजा राम मोहन राय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कार कौन किए थे दोस्तों? तो किसने किए थे? तो कोप्रोवस्की ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 16 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो सोनपुर में किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईरान का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो फारस, ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों?
वो आम है, ऑप्शन नंबर डी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिवाजी के कितने मंत्री थे दोस्तों? शिवाजी के कितने मंत्री थे? तो वो 8 मंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूके का राजकीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो आप लोग को बता दें, ऑप्शन नंबर ए है गुलाब का फूल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है दोस्तों? विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ईसाई धर्म के लोग जो है सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा भाषा बोला जाता है दोस्तों? तो आप लोग का हिंदी है जो कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला महिला मंत्री भारत का पहला महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी दोस्तों? भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? आप लोग का हो जाएगा राजा कुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग का भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेंट कैथेड्रल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है येलो बुक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। COVID-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा सुरक्षित मास्क है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए N95, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप लोग का चाणक्य यानी कौटिल्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों? तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी की ओर करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आप लोग का गुजरात हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो टीकाकरण से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई दोस्तों? भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1954 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी थी है दोस्तों? 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों, अगर आप लोग को याद है तो, नहीं तो हम जरूर बताएंगे दोस्तों। आप लोग सब्र कीजिए और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो का कैसा परफॉर्मेंस रहा जो जिसके बारे में। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अस्त्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक किसका उत्तराधिकारी था दोस्तों? अशोक किसका उत्तराधिकारी था?
तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बिंदुसार ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, अर्थशास्त्र में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रैगन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था दोस्तों? रैगन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको दिए गए थे दोस्तों? तो आप लोग का विनोबा भावे को। नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है दोस्तों? तो नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो वो एडमिरल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों? हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो वो विब्रियो कॉलेरा, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, आंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च शिक्षा का केंद्र बालवी स्थित था दोस्तों, कहाँ पे स्थित था? तो आप लोग का गुजरात राज्य में स्थित था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 42 नंबर। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था दोस्तों? तो वो मोहम्मद तुगलक ने ले गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है दोस्तों? तो आप लोग का 43 नंबर का करेक्ट आंसर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा दोस्तों? तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो चौथी योजना यानी ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है दोस्तों, तो वो किस पे आधारित है दोस्तों? तो वो न्यूनतम कोष प्रणाली पर स्थित है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आधारित है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है दोस्तों? तो गन्ना है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद, दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों? तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अनुच्छेद 12 से 35, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है दोस्तों? तो कौन देते हैं? तो वो अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो वो 49 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो संसद के पास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है दोस्तों? तो RBI है दोस्तों, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना है। अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर इंस्टाग्राम ID से जुड़ना है दोस्तों, तो आप लोग को इंस्टाग्राम का ID भी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।